हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लर्निट के एक और नए वीडियो में। और बिना टाइम वेस्ट किए चलिए नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक 6 के बारे में, जो कि है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का नेक्स्ट टॉपिक। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक स्मॉल सा रिकैप ले लेते हैं कि हमने इसके पहले वाले टॉपिक्स के अंदर पढ़ा क्या था। तो स्टार्ट करते हैं हम कि इसके पहले वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था एम्ब्रियोजेनी के बारे में। तो एम्ब्रियोजेनी को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, जिसको कहते हैं मोनोकोट एम्ब्रियोजेनी और सेकंड पार्ट को बोलते हैं डाइकोट एम्ब्रियोजेनी। उन दोनों को डिटेल में हमने पढ़ लिया था। नहीं पढ़ा है तो आप एक बार और रिपीट कर सकते हैं पिछले वाला टॉपिक। अब एक नया सेगमेंट के बारे में पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। मतलब सीड्स और फ्रूट बनेगा कैसे जब पूरा डेवलपमेंट हो जाता है किसी एम्ब्रियो का, और अल्टीमेटली इनका फेट क्या होता है। मतलब ये आगे जाके इनके पार्ट्स का होने क्या वाला है, मतलब कौन सा पार्ट किस चीज में डिवाइड होने वाला है, उसको हम देखते हैं। डायग्रामेटिकली आपको दो डायग्राम्स यहाँ पर दिखेंगे। ऊपर की साइड में एक टोमेटो का डायग्राम है और नीचे की साइड में आपको एक और डायग्राम दिखेगा जो सीड कोट और पेरिकार्प के बारे में बताएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं ऊपर वाले टॉपिक से। देखो, फ्रूट्स के बारे में अगर आप पढ़ते हैं तो फ्रूट्स को बोलते हैं पकी हुई ओवरी, मतलब जो फुल्ली डेवलप्ड हो जाती है उसको हम काई में कन्वर्ट कर लेते हैं, फ्रूट्स के अंदर डेवलपमेंट देख लेते हैं। एक और नाम से हम जानते हैं इस फ्रूट को, जिसको बोलते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी। तो आप अगर ओवरी को पका हुआ कह लो या फर्टिलाइज्ड कह लो, तो वो अल्टीमेटली काई में डेवलप होगा, फ्रूट में डेवलप होगा, और वो ही क्या कहलाएगा, फ्रूट कहलाएगा। सेकेंड बात करते हैं जो वॉल्स होती है इस ओवरी की, मतलब आसपास से जो कवरिंग होती है उसको हम बायोलॉजी की टर्म के अंदर कहते हैं पेरिकार्प। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो फ्लेशी हो सकता है या ड्राई हो सकता है। फ्लेशी का मतलब अगर हम आम को देखते हैं तो उसके आसपास पकी हुई चीज होती है, मतलब फ्लेशी मटेरियल होता है। पर हम जब कोई सी अनाज को देखते हैं, कोई से बी सीड्स को देखते हैं, तो आपको वहां पर क्या देखने को मिलता है, ऐसा फ्रूट देखने को मिलता है जिसके आसपास कोई कवरिंग नहीं है, मतलब कोई फ्लेशी मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। और आगे बात करते हैं तो फ्लेशी फ्रूट के अंदर आपको तीन लेयर्स मिलती है, ड्राई फ्रूट के अंदर देखने को आपको लेयर्स नहीं मिलेगी। पेरिकार्प होगी, मतलब बाहर की कवरिंग होगी, पर अंदर के तीन लेयर्स नहीं मिलेंगे। जैसे कि आउटर मोस्ट लेयर, जिसको हम हार्ड कवर बोलते हैं, उसको कहते हैं एपिकार्प। सेकेंड मिडिल लेयर को बोलते हैं मीजोकार्प, और अंदर ही अंदर वाले लेयर को बोलते हैं एंडोकार्प। इसका डायग्राम आपको लास्ट में राइट साइड के लोअर मोस्ट सेक्शन में लिखा हुआ दिख जाएगा येलो कलर से। नेक्स्ट बात करते हैं होता क्या है। इसके कवरिंग ऑफ फ्रूट्स को ही हम क्या बोलते हैं, ओवरी वॉल बोलते हैं। और बेसिकली ये किस पार्ट का हिस्सा होता है, फ्लेशी पार्ट का हिस्सा होता है। अब आउटर वॉल कवरिंग की किसी भी एक फ्रूट के अंदर, फ्लेशी भी ले लो या ड्राई भी ले लो, दोनों के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होता है, यानी ओवरी वॉल दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करते हैं करती क्या है ये ओवरी वॉल, मतलब पेरिकार्प करता क्या है। ये प्रोटेक्शन देता है और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है सीड्स को अंदर से। नेक्स्ट, सीड्स कहां से बनते हैं। तो सीड्स आपकी जो राइपंड ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं किसी भी फ्लावर के अंदर, तो वो अल्टीमेटली किसका फॉर्मेशन करेंगे, सीड्स का फॉर्मेशन करेंगे। और सीड्स किसके अंदर रहेगा, फ्लेशी पार्ट के अंदर प्रेजेंट रहेगा। और किसके अंदर कवरिंग में रहेगा, वो आप बोलो तो पेरिकार्प के अंदर, मतलब आपके एपिकार्प के अंदर प्रेजेंट रहेगा। लास्ट बात करते हैं तो इंटीग्यूमेंट्स, इंटीग्यूमेंट्स हमने बार बार ये वर्ड सुना है। तो इंटीग्यूमेंट्स क्या करता है, सीड कोट बनाता है, मतलब सीड को बचाता है। सीड के बाहर का जितना भी कोट रहेगा वो किससे बनेगा, इंटीग्यूमेंट से रहेगा। और सीड कोट के अंदर आपको दो चीज देखने को मिलेगी, एक तो होता है एम्ब्रियो और एक होता है एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो तो आगे किसी चीज का डेवलपमेंट करने के लिए, किसी प्लांट का डेवलपमेंट करने के लिए प्रेजेंट होता है, और एंडोस्पर्म इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए प्रेजेंट होता है। तो ये होता है पूरा फॉर्मेशन ऑफ सीड्स एंड फ्रूट। अब जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा उसमें हम पढ़ेंगे कि इन पूरे पार्ट्स का अल्टीमेटली होता क्या है, क्या ये गिर जाएंगे, क्या इनके साथ कुछ और होगा, कौन सी चीज किस पर डेवलप होगी, उसके बारे में वो डिटेल में आगे पढ़ते हैं। आगे चल के और बात करते हैं तो यहां पर फेट के बारे में बात करेंगे, मतलब अल्टीमेटली इन सारे पार्ट्स का होगा क्या फ्रूट्स और सीड्स के अंदर। टॉप मोस्ट में लिखा है आपके फ्लोरल पार्ट्स और एक साइड में लिखा है फेट आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब फ्लोरल पार्ट्स में से आते हैं कुछ पार्ट्स, जिसमें हम देख रखा है सेपल्स, पेटल्स और स्टेमेंस आते हैं। सेपल, पेटल और स्टेमेंस की जहां तक बात करते हैं तो ये सारे पार्ट्स धीरे धीरे मुरझा के नीचे गिर जाते हैं। कभी कभी सेपल्स आपको देखने को मिलेंगे किसी किसी फ्रूट के आसपास, वो इतनी आसानी से नहीं निकलते हैं, विदर ऑफ नहीं होते, पर मैक्सिमम के अंदर वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, ड्रॉप ऑफ हो जाएंगे। सेकेंड बात करते हैं तो ओवरी के बारे में। अब ओवरी को हम जब देखते हैं तो ओवरी के अंदर डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ओवरी के अंदर ओवरी वॉल, ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इंटीग्यूमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट होते हैं।
अब इनका होता क्या है, ओवरी तो कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट के अंदर, ओवरी वॉल कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट वॉल के अंदर, ओवरीज के अंदर जो प्रेजेंट ओव्यूल होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं सीड्स के अंदर, जो डायग्राम में हम देख चुके हैं पिछले, इंटीग्यूमेंट्स कन्वर्ट हो जाता है सीड कोट में, और सीड कोट डिवाइड होता है टेस्टा और टेगमेंट में। अब ये ही सीड कोट के अंदर आपको मिलेंगे फर्टिलाइज्ड एग, मतलब एम्ब्रियो, जो किसके अंदर कवर्ड है, सीड कोट के अंदर कवर्ड है। तो ये अल्टीमेटली फेट होता है किस चीज का, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ओवरी का, जो क्या करेंगे आगे जाके फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को या तो गायब हो जाएंगे या तो कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट सेगमेंट की जहां तक बात करते हैं तो नया टॉपिक आता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्म। अब एंडोस्पर्म है क्या, एंडोस्पर्म बेसिकली न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है एम्ब्रियो को, और वो कभी कभी किसके अंदर प्रेजेंट रह जाता है, किसी भी सीड्स के अंदर प्रेजेंट रह जाता है, और कभी कभी ये पूरा यूज्ड अप भी हो जाता है। तो यहां से हमको एंडोस्पर्म की दो क्लासिफिकेशन मिलती है, पहले को बोलते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक, जिसको हम एक और नाम से जानते हैं एक्स एल्बुमिनस, और एक और होता है जिसको बोलते हैं एंडोस्पर्मिक या एल्बुमिनस। अब पहली बात करते हैं, हम डायग्राम को देखते हुए समझते हैं, तो लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा ब्रॉड बीन, जिसके अंदर कोई भी येलो कलर का मटेरियल नहीं है, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, मतलब जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं हो, यूज्ड अप हो जाए, उसको कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक। और राइट साइड में आपको मिलेगा मेज का एक प्लांट, जिसके अंदर येलो कलर का मटेरियल है, मतलब एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, तो इसको हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक, मतलब जिसके अंदर प्रेजेंट हो एंडोस्पर्म, उसको एंडोस्पर्मिक सीड कहलाया जाएगा। तो डायग्रामेटिकली अगर हम समझते हैं तो हमको समझ में आ जाता है बिल्कुल कि एंडोस्पर्म नहीं है तो नॉन एंडोस्पर्मिक, अगर है तो एंडोस्पर्मिक। और डिटेल में पढ़ते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक के बारे में। देखो, एंडोस्पर्म अगर कंप्लीटली यूज जाता है जब एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है तभी, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं ग्राम पी बीन्स एक्सेट्रा के अंदर, तो आपको यहां पर एंडोस्पर्म देखने को नहीं मिलेगा, तो इसको कहेंगे हम नॉन एंडोस्पर्मिक। सेकेंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आता है एंडोस्पर्मिक, मतलब यहां पर जब भी डेवलपमेंट होता है एम्ब्रियो का तो वो पूरा का पूरा चीज को यूज नहीं करता या एंडोस्पर्म को यूज नहीं करता, और एंडोस्पर्म इतना ज्यादा ग्रो करता है या डेवलप हो जाता है बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके, डिवाइड कर करके, तो यहां पर आपको देखने को मिलता है एंडोस्पर्मिक या एल्बमिनस सीड्स। एग्जाम्पल लेते हैं तो वीट का मिलता है मेज, बार्ली, केस्टर, पॉपी एक्सेट्रा आपको देखने को आसानी से मिल जाते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर आता है कि सीड्स की इंपॉर्टेंस है क्या। तो पहली बात करते हैं, यहां पर सीड्स की इवोल्यूशनरी अचीवमेंट बहुत बड़ी है, मतलब वो क्या करता है, एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है, और एम्ब्रियो को अगर प्रोटेक्ट कोई चीज करती है तो आगे जाके वो एवोल्यूशन में इंपॉर्टेंस रखता है, मतलब आगे जाके कुछ भी चेंज होना होगा तो उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट वो रखेगा। सेकेंड बात करते हैं, सीड्स के अंदर आपको बहुत ही अच्छे क्वांटिटी में फूड रिजर्व मिलता है, जो क्या प्रोड्यूस करता है, नरिशमेंट करता है जर्मिनेटिंग एम्ब्रियो का, मतलब जो भी एम्ब्रियो डेवलप होगा उसको अच्छी अमाउंट का फूड रिजर्व प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, सीड्स कॉलोनाइज करती है और पॉपुलेट करती है नए एरियाज को, और स्प्रेड करती है बाहर, मतलब किसी दूसरी जगह पे भी अगर इसका डेवलपमेंट होना है तो सीड्स यहां से वहां तक डिस्पर्स हो सकते हैं किसी भी मीडियम से, कोई ह्यूमन भी उसको यहां से वहां ले जाके जर्मिनेट कर सकता है, उसका डेवलपमेंट कर सकता है, जिसके कारण जो फ्रूट जो प्लांट किसी दूसरे एरिया में थे वो किसी दूसरे एरिया में भी जर्मिनेट या डेवलप हो सके। अब हमको पता ही है कि सीड्स डेवलप तब होते हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो यहां पर आपको बहुत सारे वेरिएशन और चेंजेस देखने को मिलेंगे, और इन वेरिएशन के कारण ही आपको अडेप्टेशन की क्वालिटी भी मिलती है सीड्स के अंदर, प्लांट्स के अंदर, और आगे जाके वो डिफरेंट डिफरेंट एनवायरमेंट में, मतलब ठंडे गर्म किसी भी एनवायरमेंट में आसानी से डेवलपमेंट कर सकते हैं। लास्ट में बात करते हैं, क्योंकि सीड्स क्या है, वायबल है, इधर से उधर आसानी से ले जा सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, तो ह्यूमन के कहीं पे भी उसको जर्मिनेट या सो कर सकता है या उगा सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट में आता है सीड वायबिलिटी। अब सीड वायबिलिटी का मतलब ये है कि एक पीरियड ऑफ टाइम जिसमें सीड्स जर्मिनेट होने की एबिलिटी रखता है। अब ये जर्मिनेशन दो चीज पे डिटरमाइन करती है कि ये सीड जर्मिनेट करेगा कि नहीं करेगा, वो होता है पहला जेनेटिकली और सेकंड एनवायरमेंटली। तो पहले बात करते हैं एनवायरमेंटली। एनवायरमेंटली भी दो चीज पे डिपेंड करता है कि ह्यूमिडिटी कितनी है और टेम्परेचर कितना है, मतलब हर सीड को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ह्यूमिडिटी चाहिए, मतलब वाटर का कंटेंट चाहिए, और सेकेंड एक अप्रोप्रिएट टेम्परेचर चाहिए जिसमें वो वायबल होगा, मतलब वो एबिलिटी रखेगा जर्मिनेट होने के लिए। जेनेटिकली बात करें तो कुछ कुछ सीड्स एक दिन में भी जर्मिनेट हो जाते हैं, कुछ को सीजन लग जाता है, कुछ को 2 से 5 साल लगते हैं, और किसी किसी के अंदर 100 ईयर्स भी लग जाते हैं। 2 से 5 साल तो बहुत सारे क्रॉप्स के अंदर होता है, पर देखा गया है कि बहुत सारे सीड्स
हजार 2000 10000 साल से भी क्या है, सीड वायबल है, मतलब 10000 साल पुराना सीड भी जर्मिनेट हो सकता है। एग्जाम्पल आपको दे रखा है यहाँ पर बहुत सारे, जिसके अंदर पहले बात करते हैं तो लोटस का जो प्लांट है उसके जो सीड्स हैं वो 1000 साल तक भी क्या कर सकते हैं, सीड वायबल प्रेजेंट रहते हैं। 2000 साल पुराना सीड देखें जिसको बोलते हैं फियोनिक्स डेक्टिलफेरा, जो हमने किंग हेरोड्स के पैलेस से निकाला था डेड सी के पास से, वो आज भी वायबल है, मतलब वो वायबल निकला यानी वो जर्मिनेट हो सकता था। सेम टू सेम 10000 साल पुराना जो सीड है जिसको बोलते हैं ल्यूपिन आर्कटिकस, जिसको बोलते हैं ल्यूपाइन भी, जो हमें आर्टिक टुंड्रा से मिला था, वो सिर्फ जर्मिनेट ही नहीं हुआ, मतलब डेवलप ही नहीं हुआ, उसके अंदर फ्लावर भी निकले। तो देख सकते हैं हम कि कितना पुराना प्लांट भी, कितना पुराना सीड्स भी क्या हो सकता है, वायबल हो सकता है, मतलब वर्किंग कंडीशन में प्रेजेंट हो सकता है। अब वायबिलिटी को अगर आपको टेस्ट करना है तो दो चीज से कर सकते हैं, एक तो रेस्पिरेशन की मदद से और एक जर्मिनेशन की, मतलब अगर सीड रेस्पायर करता है या सीड जर्मिनेट हो जाता है। जर्मिनेट हो जाता है तो हमको पता पड़ ही जाएगा कि ये उगने वाला है, और अगर वो जर्मिनेट नहीं होता पर वो वायबल है, मतलब यूज में आ सकता है, तो रेस्पिरेशन की मदद से भी कर सकते हैं। रेस्पिरेशन में होता क्या है, जब आप इस सीड्स को किसी एक केमिकल के पास में रखते हो जो कि कलरलेस होता है, जिसका नाम है ट्राइफिनाइल टेट्राजोलियम क्लोराइड, इसके पास में आप रखते हो तो आपको ये क्या कन्वर्ट कर देता है, कलरलेस केमिकल को पिंक कलर में कन्वर्ट कर देता है, मतलब इस केमिकल को ट्राइफिनाइल फॉर्माजेन में कन्वर्ट कर देता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, जो इस टॉपिक के अंदर, इस चैप्टर के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार वन वर्ड के अंदर या एक नंबर के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं, शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन आंसर्स के अंदर देखने को आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं एपोमिक्सिस, मतलब क्या है, ग्रीक लैंग्वेज से बना है दो वर्ड्स एपो और मिक्सिस। एपो का मतलब होता है विदाउट और मिक्सिस का मतलब होता है मैरिज, मतलब विदाउट मैरिज। सो इसका एक बेसिक सा टर्म निकलता है कि अगर किसी चीज का इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है बिना किसी सेक्सुअल नीड्स के, मतलब विदाउट किसी मैरिज के, बिना किसी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, मतलब असेक्सुअल मोड से, जो मिमिक करता है, मतलब रेप्लिकेट करता है, सेम टू सेम हूबहू हमशक्ल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें सीड का भी फॉर्मेशन होगा पर कोई भी गैमेट्स का फॉर्मेशन या फ्यूजन नहीं होगा, यानी सेक्स सेल्स का कोई भी फ्यूजन नहीं होगा, अगर इस तरीके की कोई मिमिक्री करता है तो उस प्लांट को हम क्या, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। अब नॉर्मली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो फीचर्स होते हैं, एक होता है मियोसिस और दूसरा होता है फर्टिलाइजेशन। अब मियोसिस और फर्टिलाइजेशन अगर किसी के अंदर होता है तो उसको कहते हैं एम्फीमिक्सिस। अब एक और चीज आती है कि ऑर्गेनिज्म जो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एपोमिक्सिस के कारण, उसको हम कहते हैं एपोमाइसिट्स। और एपोमिक्सिस कंट्रोल होता है जीन्स से, और इंडिविजुअल जो प्रोड्यूस होते हैं इस पूरी प्रोसेस से, वो बेसिकली क्या करते हैं, सेम टू सेम होते हैं जेनेटिकली भी, और मेंबर होते हैं क्लोन के, मतलब सेम टू सेम अपने पेरेंट जैसे ही दिखेंगे। और जब उस क्लोन को हम बोलते हैं या मेंबर ऑफ क्लोन को नाम देते हैं तो उनको कहलाया जाता है रेमेट्स के नाम से, मतलब जो भी एपोमिक्सिस से प्रोड्यूस होंगे उनको हम कहेंगे रेमेट्स, और इस प्रोसेस को कहेंगे एपोमिक्सिस। अब यहां पर भी दो प्रोसेस होती है, मतलब दो मेथड्स को यूज किया जाता है। पहली बात करें तो असेक्सुअल सीड्स का फॉर्मेशन हो रहा है जिसमें एम्ब्रियो डायरेक्ट डेवलप हो जाता है बिना किसी गैमेट से, तो कौन सी प्रोसेस कहलाती है, एपोमिक्सिस कहलाती है। और सेकंड है जिसके अंदर स्पोरोफाइटिक बडिंग होती है, जिसके अंदर एम्ब्रियो डेवलप होता है बिना किसी डिप्लोइड सेल के फॉर्मेशन के अंदर, न्यूक्लियस और इंटेग्यूमेंट्स के अंदर ही हो जाता है चालू, तो उसको हम कहते हैं एपोमिक्सिस। नेक्स्ट के बारे में बात करते हैं तो आता है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस को हम जानते हैं, पार्थिनोस का मतलब होता है वर्जिन और जेनेसिस का मतलब होता है डिसेंट। इसका मतलब यह है अगर कोई सा ऑर्गेनिज्म, कोई सा प्लांट डेवलप हो रहा है बिना किसी गेमेट के फ्यूजन से, मतलब वो सिंगल ही क्या करता है, गेमेट का फ्यूजन कर लेता है एक ही गेमेट से, तो उसको कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। इसको देखते हुए डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ गेमेट ये दो तरीके से होता है, मतलब एक को बोलते हैं हैप्लोइड और दूसरे को बोलते हैं डिप्लोइड। हैप्लोइड की जहां तक बात करते हैं तो कहलाता है हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, जिसके अंदर आपको एम्ब्रियो सेक मिलती है और एग के अंदर आपको हैप्लोइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स मिलते हैं, मतलब एक ही पेरेंट की साइड से आपको क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं। सेकेंड बात करते हैं तो डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है, मतलब एम्ब्रियो सेक के अंदर आपको एग सेल मिलेंगे पर वो डिप्लोइड कंडीशन में होंगे, मतलब उसके अंदर डबल द क्वांटिटी ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे, तो इसको कहते हैं हम पार्थिनोजेनेसिस। जब डेवलपमेंट होता है एक इंडिविजुअल का जिसमें सिंगल गेमेट का ही यूज होता है और कोई फ्यूजन नहीं होता किसी दूसरे गेमेट से।
नेक्स्ट डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं तो आती है एपोगेमी। इसका मतलब है कि स्पोरोफाइट या एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होना डायरेक्टली किससे, सेल से, किस चीज के, गेमेटोफाइट के सेल से। अगर डायरेक्ट कोई एम्ब्रियो बन जाता है तो उसको कहते हैं एपोगेमी। अगर हायर प्लांट की बात करें तो डिप्लोइड एपोगेमी ही सक्सेसफुल होती है, और अगर हम लोअर प्लांट के बारे में बात करें तो यहां पर हैप्लोइड एपोगेमी सक्सेसफुल होती है। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं तो एक डेफिनेशन आती है पॉली एम्ब्रियोनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़ना है हमको। ऐसा फिनोमिनन जिसके अंदर आपको एक से ज्यादा एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं तो उसको कहते हैं हम पॉली एम्ब्रियोनी। पॉली का मतलब तो हम समझते हैं बहुत सारे, एम्ब्रियोनी मतलब बहुत सारे एम्ब्रियो। नेक्स्ट बात करते हैं इसका ऑकरेंस कैसा होता है। ऑकरेंस ऑफ पॉली एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के कारण होती है, जहां पर एक से ज्यादा सेल्स क्या हो जाते हैं, फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसको हम कहते हैं सिंपल पॉली एम्ब्रियोनी। अब यहां पर जो एम्ब्रियोज डेवलप होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से हो सकते हैं, मतलब ओव्यूल्स के सिनर्जिड्स में हो सकते हैं, एंटीपोडल सेल्स हो सकते हैं, न्यूक्लियस और इंटीग्यूमेंट्स, इधर कहीं पे भी डेवलपमेंट उनका हो सकता है। एग्जांपल अगर ले हम तो नींबू मिल जाता है हमको, ग्राउंडनट मिल जाता है, प्याज मिल जाता है, ओपुंशिया मैंगीफेरा मिल जाता है, इनके अंदर आपको पॉली एम्ब्रियो देखने को मिलते हैं, मतलब बहुत सारे सीड्स मिलेंगे बहुत सारे एम्ब्रियो से। सबसे पहला जब हम इसका देखते हैं डिस्कवरी पॉली एम्ब्रियो की, तो हमको मिलती है लिवेनहॉक के द्वारा 1719 के अंदर, और इसको कंफर्म करा स्नार्फ ने 1929 में। अब पॉली एम्ब्रियोनी कॉमनली हमको जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, एंजियोस्पर्म में देखने को कम ही मिलती है, मतलब बेसिकली आपको जिम्नोस्पर्म में ही पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलेगी। पॉली एम्ब्रियोनी भी दो तरीके से होती है, एक को बोलते हैं फॉल्स और एक को बोलते हैं ट्रू। फॉल्स एम्ब्रियोनी के अंदर बहुत सारे मल्टीपल एम्ब्रियोज जर्मिनेट होते हैं एम्ब्रियो सेक के अंदर, मतलब ओव्यूल्स के अंदर, और जबकि ट्रू एम्ब्रियोनी की बात करें तो बहुत सारे एम्ब्रियोज बनेंगे एक ही सिंगल एम्ब्रियो सेक के अंदर। मल्टीपल में बहुत सारे निकलते हैं, मतलब फॉल्स के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियोज के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स, बहुत सारे एम्ब्रियो सेक्स, और यहां पर हम सेकंड की बात करते हैं तो ट्रू एम्ब्रियोनी के अंदर मल्टीपल एम्ब्रियोज बनते हैं सेम एम्ब्रियो सेक के अंदर। नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में बात करते हैं तो आता है पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पी दो वर्ड से मिलकर बना है, पार्थिनोज और कार्पोस। पार्थिनोज का मतलब होता है वर्जिन और कार्पोस का मतलब होता है फ्रूट। तो इसको हम पढ़े तो इसका मतलब है कि अगर किसी फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है बिना किसी फर्टिलाइजेशन के तो उसको कहेंगे पार्थिनोकार्पी। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट्स बेसिकली सीडलेस होते हैं, पर इसमें किसी किसी के अंदर सीड्स भी होता है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं पियर, बनाना, पाइनएप्पल और एप्पल। फ्रूट जिसके अंदर सीड होता है पर वो क्योंकि असेक्सुअल एम्ब्रियो से बना है या स्यूडो सीड से बना है, इसको भी हम पार्थिनोकार्पिक फ्रूट ही कहेंगे। पार्थिनोकार्पी तीन चीज पर डिपेंड करती है या डेवलपमेंट पर डिपेंड करती है। पहला होता है जेनेटिक, सेकंड होता है एनवायरमेंट और थर्ड होता है केमिकली इंड्यूस्ड। तो पहले के बारे में बात करते हैं तो जेनेटिकली पार्थिनोकार्पी का मतलब होता है जब किसी म्यूटेशन या हाइब्रिडेशन के कारण कुछ जेनेटिक चेंज आ जाते हैं किसी भी फ्रूट के अंदर, किसी भी सीड्स के अंदर, तो उसको हम कहते हैं पार्थिनोकार्पी या नेचुरल पार्थिनोकार्पी। जैसे बनाना, एप्पल, पाइन एप्पल और दूसरे दूसरे वेराइटी ग्रेप्स के और पियर्स के। एनवायरमेंटल पार्थिनोकार्पी के बारे में बात करते हैं, जब टेम्परेचर लो रहता है, फ्रोस्ट मतलब बर्फबारी होती है, फॉग रहता है, तो ये भी क्या करता है, पार्थिनोकार्पी को इंड्यूस कर देता है बहुत सारे प्लांट्स के अंदर, जैसे कि पियर, ऑलिव, कैप्सिकम एक्सेट्रा। लास्ट में आता है केमिकली इंड्यूस, जब आप कोई केमिकल उसके ऊपर डाल के उसको क्या करते हो, डेवलप करते हो पार्थिनोकार्पी के, तो उसको कहलाया जाता है केमिकली इंड्यूस्ड पार्थिनोकार्पी। आशा है कि आपको सारे टॉपिक्स इजीली समझ में आ रहे होंगे। हम लर्न इट पे आपके लिए इजी और सिंपल लर्निंग मटेरियल बनाते रहते हैं, जिसके कारण आपकी लर्निंग और लिसनिंग कैपेबिलिटीज इंक्रीज होती रहेगी। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है या आपको कोई टॉपिक हार्ड लगता है या कुछ टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो उसको आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा वर्क अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूलें। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए आप अपडेटेड रहें। स्टे हेल्दी, स्टे फिट, बाय बाय।